नमस्कार मित्रों, और इस वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अनअकैडमी की स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। मित्रों, हर संडे रविवार को अनअकैडमी पे अनअकैडमी कॉम्बैट करके एक टेस्ट 11 बजे से चालू होता है, जहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। लगभग इसमें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, 60 क्वेश्चन होते हैं, हर संडे होते हैं, और अलग अलग विषय होते हैं इसमें, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह। और इसमें आप अच्छे नंबर को स्कोर करके अनअकैडमी की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है और कुछ वाउचर्स भी उसमें आप लोगों को मिल जाते हैं। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हो कॉम्पिटिशन के माहौल में, दूसरा आप लोग स्कॉलरशिप को प्राप्त करके और एम्पावरमेंट अपने आप को देके यूपीएससी की डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। तो मेरा कोड इसमें अनुज यूपीएससी आपको अप्लाई करना होगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। अनुज यूपीएससी कोड को अप्लाई करके आप कॉम्बैट में एक्सेस कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। कि भले प्रश्न में आपको कोई भी स्टैंड लेना हो, इंट्रोडक्शन में आपको क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा गया इसको एक्सप्लेन करना है, या कौन कौन इतिहासकार ऐसा बोलता है उसको एक्सप्लेन करना है। अभी आप इस प्रश्न की मदद से और समझ पाएंगे। ये देखिए आप लोग, ये मैं प्रश्न आप लोगों से बोल चुका हूं, सम ऑफ द हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑफ द आयरन टेक्नोलॉजी ऑन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया इज नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंसेस एंड नीड टू बी डिस्कार्डेड। कुछ जो हाइपोथेसिस हैं, मान्यताएं हैं आयरन एंड और टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि सिक्स्थ सेंचुरी बीसी में जो अर्बनाइजेशन था, जो शहरीकरण था, उसको आयरन टेक्नोलॉजी से जोड़ के देखा जाता है। इस प्रश्न की डिमांड यह है कि सिक्स्थ सेंचुरी बीसी में सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन जो आया, जिसका कारण माना जाता है आयरन टेक्नोलॉजी को, तो आयरन टेक्नोलॉजी को काफी सारे इतिहासकारों ने कारण तो माना है, भले इसको कारण माना हो कि आयरन टेक्नोलॉजी के चलते ही अर्बनाइजेशन आया, वो कारण उन्होंने माना तो सही, लेकिन उसमें एविडेंसेस की कमी है, उनमें साक्ष्यों की कमी है, इसलिए इस थ्योरी को नकार देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं, यह प्रश्न आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि इस मुद्दे पे बात होती होगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप वही चीज बता दो कि आखिरकार वो बात क्या होती है, Why historians relate? आखिरकार क्यों इतिहास लेखकों ने आयरन टेक्नोलॉजी को एंशंट इंडियन हिस्ट्री में जो इंपैक्ट उसका रहा उससे रिलेट किया है। देखो, आप बाद में जाना कि एविडेंसेस की कमी है या गलत रिलेट किया है, जैसे कि डिमांड भी है प्रश्न की, लेकिन शुरुआत में ये तो झूठ को एक्सप्लेन करोगे तभी तो सच को एक्सप्लेन करने का मजा आएगा ना। तो थोड़ी तो तीन चार लाइनें आप झूठ पे लिखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये चीज झूठ है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में, मानवीय की विषय में कोई चीज झूठ और कोई चीज सच नहीं होती है। एक चीज सच भी हो सकती है, एक चीज झूठ भी हो सकती है। लेकिन प्रश्न में जो आप स्टैंड ले रहे हो, मान लो प्रश्न में आपको कोई तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना, तो ये प्रश्न में यदि आपने स्टैंड लिया तो कम से कम आप ये तो बताएं कि वो झूठ क्या है, उसी को पहले क्लियर करें। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इतिहासकारों ने आयरन टेक्नोलॉजी के इंपैक्ट से सेकंड फेज को अर्बनाइजेशन को रिलेट कराया, ये सही है या गलत है बात का विषय। सबसे पहले उन्होंने क्यों रिलेट कराया, इंपैक्ट क्यों बताया, इतना ज्यादा आयरन टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट क्यों बताया, इंपैक्ट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस। इतिहासकारों ने आयरन टेक्नोलॉजी के विषय में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यदि आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सेकंड और थर्ड लेक्चर में जाओगे तो इस प्रश्न, इस मैटर के ऊपर मैंने भरपूर चर्चा की है, किस तरह से ऋग्वेदिक पीरियड से आप लोग लेटर वैदिक पीरियड में जाते हो और लेटर वैदिक पीरियड से महाजनपद पीरियड में जाते हो। तो ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में जाते समय और लेटर वैदिक पीरियड से महाजनपद पीरियड में जाते हुए एक बेसिक चीज ये होती है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का एक्सपेंशन होता है।
कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है। कृषि अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जाती है। कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ ही कहीं ना कहीं राजा की स्थिति को भी जोड़ के देखा जाता है। कुछ हिस्टोरियंस ने ऐसा क्लेम किया, ऐसा बोला है कि कृषि अर्थव्यवस्था जब महाजनपद पीरियड में आते हुए और ज्यादा बढ़ने लगती है तो राजा की पोजीशन भी स्ट्रांग होती गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर राजा की पोजीशन स्ट्रांग होने में और कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था के एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है। तो भाई जब कृषि अर्थव्यवस्था का एक्सपेंशन होगा तभी तो टैक्स सिस्टम और भी ज्यादा डेवलप होगा ना, तभी तो कर प्रणाली और ज्यादा डेवलप होगी। पहले जीएसटी टैक्स तो चलता नहीं था, कृषि के ऊपर टैक्स लगा करता था, और धीरे 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 आप देखोगे कि ऋग्वेदिक पीरियड में टैक्स सिस्टम तो बहुत अंडर डेवलप्ड था, बल्कि ऋग्वेदिक पीरियड में एक ही टैक्स हुआ करता था जिसका नाम था बलि टैक्स, और वो बलि टैक्स भी कंपलसरी नहीं था, वो तो एक गिफ्ट था, और गिफ्ट देना कंपलसरी नहीं है, वो तो टोटली ऑप्शनल है, वो तो वैकल्पिक है। तो बलि नामक टैक्स होता था ऋग्वेदिक पीरियड में, और वो भी एक कंपलसरी टैक्स नहीं था। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, ऋग्वेदिक पीरियड से जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड में आप लोग जाओगे वैसे वैसे कृषि बढ़ेगी, कृषि बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। लेटर वैदिक पीरियड से महाजनपद पीरियड में जाओगे कृषि बढ़ेगी तो नए नए प्रकार के टैक्सेस आने लगे। नए नए प्रकार के जब टैक्सेस राजा के पास आएंगे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रांग होगी, और कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति से उसकी राजनीतिक स्थिति को भी जोड़ के देखना जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी एम्पायर, कोई भी राजा की ताकत दो चीजों में निहित होती है, एक तो उसकी सेना और उसकी पैसा। जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा तब तक वे अपनी ना तो नौकरशाही को रख पाएगा, ब्यूरोक्रेसी को रख पाएगा, और ना ही उसकी सेना आर्मी उसको आर्मी को रख पाएगा। तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कृषि व्यवस्था को एक्सपेंशन जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के एक्सपेंशन के साथ राजा की पोजीशन स्ट्रांग हो रही है क्योंकि उसके पास टैक्स कलेक्शन हो रहा है। अब देखो सारे परिवर्तन तो तभी आ रहे हैं ना, महाजनपद पीरियड में राजा की पोजीशन और मजबूत होती चली जा रही है। शुरुआत हुई थी कबीले के तौर पर ऋग्वेदिक पीरियड में, कबीले हुआ करते थे। महाजनपद पीरियड में आते आते मौर्य साम्राज्य तक आप जाओगे तो आपको हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम दिखेगा। वहां पे तो आपको केंद्रीकरण के इतने साक्ष्य मिलेंगे कि एक तरह से पूरा एक ऐसा सिस्टम था जिसमें केंद्रीकरण बहुत लेवल तक, मतलब निचले लेवल तक सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। तो अब देखिए कि ये क्वेश्चन इससे कैसे रिलेटेड है जो मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए मेरी बात को समझे आप लोग, यहां पे इतिहासकारों ने है ना कृषि के बढ़ते हुए विस्तार को एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन को लोहे से जोड़ के देखा है, लोहे से जोड़ के देखा है कि यदि आयरन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो किसान कैसे खेत साफ करते, जंगल साफ करते, कैसे वो हल चलाते। चूंकि अब देखिए क्या बोल रहे इतिहासकार, इतिहासकारों की ओपिनियन देखिए आप लोग, क्योंकि ऋग्वेदिक पीरियड में तो लोग आयरन से परिचित थे ही नहीं, इसलिए एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड रहा, लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर था ही नहीं बल्कि पशुपालन था। लेटर वैदिक पीरियड में लोग जो थे वो लोहे से परिचित तो हो गए लेकिन कृषि में इतना बड़ा कोई अंतर नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि लोग उसको परिचित तो हो गए थे लेकिन बहुत हद तक उसका कृषि में किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है इस बात में परिचित नहीं हुए। महाजनपद पीरियड में लोग अब समझ गए थे कृषि का किस तरह से लोहे के साथ संबंध है और लोहे के प्रयोग से जंगलों को काट के है ना और किस तरह से हल चला के हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करते हैं। तो एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन में इन्होंने लोहे की भूमिका को बानी है, और 6th सेंचुरी बीसी महाजनपद पीरियड का समय और इसी समय सेकंड अर्बनाइजेशन चालू हुआ। तो इन्होंने दो चीजों से रिलेट कराए लोहे को, एक तो इन्होंने अर्बनाइजेशन से किया है, दूसरी तरफ इसने बढ़ते हुए कृषि से किया है। दिस इज व्हाट द हिस्टोरियंस रिलेट आयरन टेक्नोलॉजी विथ द डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया। दो चीजों से उन्होंने रिलेट कराए, एक तो बल्कि इनफैक्ट तीन चीजों से रिलेट कराए, मैं वो तीनों चीजें लिख भी देता हूं। एक तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, एक तो क्या किया भाई कृषि में जो विस्तार हो रहा था एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन,
दूसरा इन्होंने रिलेट करा है द स्ट्रेंथ इन किंग्स पोजिशन, राजा की स्थिति मजबूत होने का कारण, क्योंकि जब उसके पास एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगा तब टैक्स ज्यादा आएगा, और टैक्स ज्यादा आएगा तो राजा की पोजिशन स्ट्रांग होगी। और जो तीसरी चीज इससे रिलेट की गई है वो तीसरी चीज है अर्बनाइजेशन, कहीं ना कहीं शहरीकरण से रिलेट किया गया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये बात होती है, और बात क्यों होती है ये तो आप बता दें, तब तो आप फिर मेन बॉडी में जाएंगे। एक बार और मैं आप लोगों को दिखा दूं, गेटिंग द राइट माइंडसेट, परीक्षा भवन में राइट माइंडसेट डिसाइड करना होगा ना। आपने एक बार प्रश्न को पढ़ के यदि आप लोगों का राइट माइंडसेट हो गया, आपकी कंक्लूजन भी क्लियर होगी। मैं आप अभी आपको लाइव बताऊंगा भी सही, वो एग्जांपल भी दूंगा कैसे आपकी कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी क्लियर होगी, आप सीखेंगे धीरे धीरे उस चीज को। तो आपने बता दिया भाई इंट्रोडक्शन में कि इतिहासकारों ने, कई सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने कृषि, जिन्होंने लोहे की प्रौद्योगिकी को, आयरन टेक्नोलॉजी को, इन तीनों चीजों से रिलेट करके बताया है, इतना आपने बता दिया। अब आ जाइए आप बट पे, मेन बॉडी में आप लिख दीजिए क्या, बट। बट के बाद आप लिखने की बात शुरू कीजिए कि ये चीज सच है या गलत है, अब आपको क्या लगता है। तो इतिहास यहां पे तो ये बोला गया भाई कि जो आयरन टेक्नोलॉजी है उसके इंपैक्ट को जो बताया एंशियंट हिस्ट्री में, उसमें हमें एविडेंसेस कम मिलते हैं, साक्ष्य कम मिलते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि ठीक है, हिस्टोरियंस ने भले ही आयरन टेक्नोलॉजी से अर्बनाइजेशन को रिलेट कराओ, लेकिन इतिहास के नए शोधों के अनुसार, जो नए डिस्कवरीज हुई है उनसे ऐसा पता लगता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, सेकेंड सेंचुरी बीसी में, कुछ ऐसे स्पॉट्स देखे गए, जैसे कि एक स्पॉट था दादूपुर, एक स्पॉट था जखेरा। तो दादूपुर और जखेरा आप बात कर रहे हो सेकेंड सेंचुरी बीसी की, और इसके भी लगभग बीच के पीरियड की, फिक्स पीरियड देना उसको थोड़ा सा असंभव है। आप अभी एग्जांपल के लिए मान लो 1500 बीसी। तो नए डिस्कवरीज के आधार पे ऐसा पता लगा है कि सेकेंड बीसी में दादूपुर और जखेरा में 1500 बीसी के आसपास जो थे, वहां पे भी लोहे के प्रयोग से लोग बाग परिचित थे। द पीपल न्यू अबाउट द यूज ऑफ आयरन, लोहे के उपयोग से लोग बाग परिचित थे। तो अगर सेकेंड सेंचुरी बीसी 1500 बीसी में लोग बाग दादूपुर और जखेरा में आयरन टेक्नोलॉजी से परिचित थे, तो अर्बेनाइजेशन को, शहरीकरण को आने में 1000 साल क्यों लग गए, तभी क्यों नहीं आ गया अर्बेनाइजेशन। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, इफ अगर आयरन टेक्नोलॉजी के इंपैक्ट को इतना महत्वपूर्ण माना है कि हमने उसको एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से भी रिलेट किया है, राजा की बढ़ती हुई पोजीशन से भी रिलेट किया है, अर्बनाइजेशन से भी रिलेट किया है, तो लोग बाग इस समय भी तो आयरन से परिचित थे, जखेरा और दादूपुर में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। तो फिर किस आधार पे हम कह सकते हैं कि आयरन टेक्नोलॉजी का इतना इंपैक्ट रहा होगा कि सभी चीजें आयरन टेक्नोलॉजी के कारण हुई। आयरन टेक्नोलॉजी का कृषि में महत्व रहा होगा, इस बात को हम नकार नहीं सकते, लेकिन क्या राजा की पोजीशन मजबूत होने में, एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन में, और उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन को आने में, क्या अकेला आयरन का कारण था या कुछ और भी कारण थे? क्या तत्कालीन उस समय के राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल मैटर्स ने इसमें क्या इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं निभाई होगी एंशियंट इंडिया में? निभाई ना भाई। अगर आप धार्मिक पहलू की बात करो, जैनिज्म बुद्धिज्म की आप बात करते हो, तो आप देखोगे कि एक तरफ जैनिज्म ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया, ट्रेड को उसने कहीं ना कहीं प्रसारित करने की बात की, ट्रेड एक्सपेंशन की बात करी। दूसरी तरफ अगर आप बुद्ध धर्म की बात करोगे, तो बुद्ध धर्म ने भी एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड प्रोत्साहन दोनों को ही प्रोत्साहन दिया।
तो धार्मिक मुद्दों के आधार पर भी सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन का रास्ता तैयार हुआ, और कहीं ना कहीं राजा का भी एक बहुत बड़ा वो रहा रोल। अब मैं आपको बताता हूं, मौर्य काल में जब आप जाओगे, महाजनपद पीरियड में मौर्य काल आता है, तो मौर्य काल में जब हम जाते हैं तो मौर्य काल में तो राजा के द्वारा सीता भूमि का निर्माण किया गया। सीता भूमि का मतलब क्या होता है? सीता भूमि का मतलब है राज्य के द्वारा दी गई भूमि जिसपे लोग खेती करेंगे। तो राज्य ने सीता भूमि की जिम्मेदारी ली और राज्य की इनकम के स्रोत सीता भूमि से भी बढ़े। राज्य खुद इनमें स्टेट इन्वेस्टमेंट करने लगा, मतलब राज्य निवेश कर रहा है, राज्य खुद ही निवेश कर रहा है खेती में, अब स्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो क्या केवल आयरन टेक्नोलॉजी का ही इसमें योगदान रहा या राजाओं की भी महत्वाकांक्षा इसमें थी? राजा भी एम्बिशियस थे चीजों को लेके। तो क्या जितने भी परिवर्तन आए ये आप इस तरह से लिख दोगे कि अकेली आयरन टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि उस समय के सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। जखेरा दादूपुर वाला लिख दिया, कंक्लूजन में आपने फिर लिख दिया हालांकि आयरन टेक्नोलॉजी का एक यूज रहा, लेकिन यह भी बात सच है कि साक्ष्यों के अभाव में इसके उपयोग को या इसके एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में इंपैक्ट को बड़ा चढ़ाकर देखा गया है। अतः जब भी हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन के विषय में पढ़ते हैं तो हमें उस समय के धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों का भी परीक्षण कर लेना चाहिए। बस दिस शुड बी द माइंडसेट। माइंडसेट क्लियर हो रहा है कि इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया ठीक है भाई, जो तू कह रहा है वो तेरी बात मान लेते हैं हम। फिर हम मेन बॉडी में आ गए तो मेन बॉडी में हम बता देते हैं कि मेन बॉडी में इसमें ये चीज सही है, ये चीज गलत है। और यदि हम लोग अच्छे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख लेते हैं तो फिर हम अच्छा कंक्लूजन भी लिख ही लेंगे। देखिए दोस्तों, यूपीएससी एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इट इज नॉट एन इवेंट दैट विल हैपन ओवरनाइट। ये कैसी घटना तो है नहीं कि जो रातों रात हो जाएगी, ये एक प्रक्रिया है। और मैं आप लोगों के लिए स्पेशली इन लेक्चर्स को इसलिए डिजाइन करके लाया हूं ताकि आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में चैलेंजेस आएंगे उनके बारे में पहले से ही पता लग जाए। और मैं ऐसा भी मान के चलता हूं कि इन सेशन को इस तरह से डिजाइन करना भी कोई रातों रात वाला काम नहीं हो सकता है कि यूपीएससी में इस आधार पर प्रश्न आ सकते हैं। तो एक टॉपिक डिसाइड किया जाए राइट माइंडसेट के ऊपर और बच्चों को उसके ऊपर गाइड किया जाए। कई सारे बुक्स को पढ़ने के बाद, यूपीएससी के इतने ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखने के बाद और खुद के कुछ फॉर्मूले तैयार करने के बाद, इतने वर्षों के अनुभव से मैं इस चीज को आप लोगों के सामने लाने में सक्षम हो पाता हूं। तो इन सेशन का फायदा आपको तब मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन में, आपके सामने इस तरह का कोई प्रश्न आ गया तो उसको एक बैलेंस तरीके से किस तरह आप डील करेंगे वो आप लोगों को काफी हद तक अच्छे तरह से समझ में आ चुका होगा। हम एग्जामिनेशन हॉल में जिन दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा, क्यों ना उन दिक्कतों की अभी से ही चर्चा हम चालू कर दें ताकि हम कम से कम उन दिक्कतों से परिचित तो हों। अब एग्जामिनेशन में कभी भी आपका, अब मैं एक रैंडम क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं, अगर कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आया तो आप देखिए आपका माइंडसेट, अभी आपको जो मैंने इतने समय से मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्या आपका माइंडसेट बन रहा है कि नहीं, आप ये क्वेश्चन देखिए।